जिला प्रशासन द्वारा राप्ती तट पर बनाए गए कृत्रिम तालाब में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन गुरुवार की शाम से शुरू हो गया। देर शाम तक 2 दर्जनों से अधिक गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए थे। आपको बता दें, एकला बंधे के पास बने तालाब में लगभग 300 प्रतिमाओं के विसर्जन किया जा सकता था। जिला प्रशासन द्वारा विसर्जन स्थल तक आने व जाने के लिए अलग अलग रास्ता बनाकर बैरिकेटिंग भी की गई थी। लाइटिंग की भी व्यवस्था थी। प्रतिमाओं के सुरक्षित विसर्जन को लेकर तालाब में प्लेटफार्म भी बनाया गया था। विसर्जन स्थल पर सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त किए गए थे। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड, NDRF, पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। तालाब में NDRF की बोट भी लगाई गई थी। साथ ही तालाब में पानी भरने तथा निकालने के लिए पंपों की भी व्यवस्था की गई थी। श्रद्धालुओं तथा सुरक्षा बलों के बैठने के लिए टेंट लगाया गया था। कुर्सियों का भी इंतजाम था। आपको बता दें, मूर्ति विसर्जन और सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की गई थी। गुरुवार की रात में अधिकांश प्रतिमाओं का विसर्जन हो गया था। शुक्रवार को भी भोर में बारिश के दौरान ज़्यादातर प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इस दौरान पुलिस के अधिकारी समेत उनके अधीनस्थ भीगते हुए मोर्चा संभाले रहे। मंगल मूर्ति ओरिया गणपति बप्पा Come here.